गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्लोरी सिस्टर्स। ये है अनन्या और मैं हूँ स्नेहा। और चलो आज हम अपना व्लॉग शेयर करते हैं आपके साथ। गाइस, यहाँ तो फरीदाबाद में एक कोविड ने परेशान कर दिया और अब ये बारिश परेशान कर रही है। रात भर से बारिश लगी हुई है। अभी आपको बाहर का दृश्य दिखाती हूँ। सो गाइस देखिए यहाँ का मौसम, अभी हल्की हल्की बारिश लगी है। यहाँ देखिए पानी भर चुका है। इतना पानी यहाँ नहीं भरा है, पर साइड हमारी गली जब जहाँ पे एंड होती है वहाँ पे बहुत पानी भर जाता है। और नीचे देखिए इतनी बारिश हुई है कि यहाँ पानी पानी हो चुका है। देखिए मैंने आपको बाहर का दृश्य दिखा दिया, आप चलते हैं अंदर। गाइस अभी मम्मी बर्तन धो रही है और माँ ही देखो गुड़ खा रही है। आराम से गुड़ खाने पे लगी है। इतना मोटा मोटा गुड़ रखा है इसने मुंह के अंदर, अब ऊपर रखेगी। पक्की भी बहुत प्रॉब्लम हो रखी है, बहुत कम नेटवर्क चल रहा है, बहुत कम कम चल रहा है आज का नेटवर्क तो। गाइस अभी अभी मेरी क्लास भी ओवर हुई है। और आज माँ की क्लास थी नहीं, आज नहीं थी इसकी क्लास। नौरी जैसे मतलब खिला अपना सर, सीधी रहे गई। इतना मोटा मोटा गुड़ लेती है ना, फिर मुंह के अंदर डालती है। सोते समय से गुड़ चाहिए, खाने के बाद गुड़ चाहिए, खाने से पहले गुड़ चाहिए, नहाने के बाद भी गुड़ चाहिए। अब वो लोग कितना गुड़ खाती होगी, 5 किलो गुड़ तो यही खा देती है एक दिन में। देखो इतना मोटा मोटा गुड़ से मुंह रखा है, ये देखो ये देखो ये देखो। और फिर बोल भी नहीं पा रही। देखो मैं 0 गुड़ खाता हूँ, मैं एक दिन में 0 गुड़ खाता हूँ, मैं कभी गुड़ नहीं खाता है ना। 0 अंडा गुड़ खाती है, अंडा। माँ की क्लास नहीं चल रही है तो इसके बालों का हाल, ये इसने पूरा घर खराब कर रखा है। कूद कूद के। अभी आपको घर के हाल दिखाती हूँ। इसने एक ही बेड में बैठी थी पर एक ही बेड को ऐसे खराब कर दिया। हाल तो देख ही सकते हैं आप इसका हाल। ये बाल यहाँ जा रहा है, ये बाल यहाँ जा रहा है, तो ये बाल इसका यहाँ ऊपर उठा हुआ है, कर दिया है। कोविड और ये बारिश ने परेशान कर दिया। इसने आज बाहर नहीं जा सक रहे हैं, नहीं तो आज हम बोले थे कि कहीं जाने का व्लॉग बना देते हैं पार्क में जाने का, पर नहीं जा सक रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है बाहर। और ये देखिए इसे, ये देखिए तकिया पकड़ क्या कर रही है, ये सीधी है। देर बाद हम स्नेक एंड लैडर खेलेंगे। और बस आज बहुत बोर हो रहे हैं पूरे दिन भर, और बस थोड़ा फिर ड्राइंग करूंगी और फिर पढ़ाई करूंगी। बस आपको अपना पूरा डे रूटीन भी दिखाऊंगी और बस और क्या दिखाऊं। सो गाइस इस माही को देखो, माही को देखो क्या कर रही है। देखो फोन देख रही है। जैसे ही मैंने वीडियो मेरी तरफ लाई और ये फोन देखना शुरू कर दिया, व्हाट्सएप चला दिया इसने। जब जैसे स्टेटस का नोटिफिकेशन आता है ना, बोलती है कि मम्मी नेट ऑन करो, देखो मैं स्टेटस देखूंगी, मैं स्टेटस देखूंगी। देखती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। मेरी मम्मी ने बनाया था हेयर बैंड, तो आपको दिखाती हूँ कैसा है वो हेयर बैंड। सो गाइस देखिए, हमें इस हेयर बैंड को बनाने के लिए चाहिए नेट फैब्रिक, तो हमारे पास नेट फैब्रिक है। अब मम्मी इसे कट कर रही है। देखिए आप पतली पतली पीसेस में कट करिए, जैसे हमने यहाँ पे पतली पतली पीसेस में कट करा है। ज्यादा मोटी पीसेस हमें नहीं चाहिए क्योंकि फिर इसे अगर हम टुगेदर करते हैं, टुगेदर इसे स्टिच करेंगे तो फिर अच्छा नहीं बनता। अब देखिए हम यहाँ पे इसे सील लेंगे। दो स्ट्रिप्स को हमें एक साथ मिला के सीलना है। ये देखिए जैसे मम्मी सील रही है, हमें थोड़ा सा जिगजैग करके सीलना है ना। सो देखिए ऐसे ही आप भी सीलिए। ये देखिए हम यहाँ पे से खींच रहे हैं जब तक ये लास्ट वाला धागा हमारे यहाँ पे बन नहीं जाता है इस पे। ऐसे आपको पूरा करना है। अब यहाँ पे हमने स्विंग मशीन की मदद से इसे हाफ हाफ करके सीलेंगे। देखिए कैसे करना है हाफ इसे। अभी हमने साइड से भी सीला था, तो अब हमें इसे साइड और हाफ से सीलना है। ये देखिए अब हम स्विंग मशीन को ऑन करेंगे, यानी कि स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमने बस ऐसे सिंपल नॉर्मल स्ट्रिप्स ली थी, अब हमें से थोड़ी फ्रिल वाली स्ट्रिप्स बनानी है। ये देखिए ऐसे ही हम बना रहे हैं फ्रिल वाली स्ट्रिप्स। ये देखिए ऐसे ही हमें करना है, हाफ और साइड से करना है। अभी हम हाफ से बहुत कम कर रहे हैं क्योंकि अगर हम हाफ से ज़्यादा करेंगे तो फिर हेयर बैंड इसके अंदर नहीं जा सकेगा। ऐसे ही हमें पूरा कर देना है। ये देखिए मैंने हाफ तक मम्मी ले आई है, मम्मी ने देखिए पूरा कर दिया है। और ये हमें बड़ा लेना है, छोटा छोटा लेंगे तो फिर पूरा हेयर बैंड कवर नहीं हो सकेगा, इसलिए हमने बहुत बड़ा लिया है। अभी आपको दिखाऊंगी इसका पूरा साइज। देखिए इतना बड़ा हमें करना है।
और आपको सिलाई ध्यान पूर्वक करनी है, क्योंकि कहीं भी अगर हमारा थोड़ा सा भी हाफ में चली गई, ज्यादा हाफ में अगर हम डाल देंगे तो फिर हमारा हेयर बैंड इसके अंदर नहीं जा सकेगा और इतनी मेहनत भी वो खराब हो जाएगी। ये देखिए इतना लंबा है ये। अब देखिए हमने इसको अंदर डाल दिया है, हेयर बैंड के अंदर डाल दिया है। अब देखिए अभी हमने आधा डाला हुआ है, पूरा भी हमने डाला नहीं है। अब हम इसे पूरा डालेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। अभी तो अभी आधा डाला है, वो भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए ऐसे हमने जैसे फ्रिल फ्रिल करके डाला है ना, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे दबा दबा के डालना, वैसे हमें डालना है पूरा। ये देखिए अब मैं हमें इसे पूरा डाल देती हूँ। ये देखिए अब हमने इसे पूरा डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने डेकोरेशन के लिए एक क्राउन टाइप का लिया और मम्मी ने इसे सिलाई से अटैच कर दिया था इस पे। ये देखिए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो अब यही थी मेरा हेयर बैंड बनाने की, आपको दिखाया कि हेयर बैंड कैसे बनाते हैं। थोड़े थोड़े दिखा सके क्योंकि पूरा दिखाते तो बहुत लॉन्ग बन जाती है मेरी वीडियो। चलो अब दिखाती हूँ कि हेयर बैंड कैसा लग रहा है हम पे। गाइस देखिए ये मेरा हेयर बैंड और ये मम्मी ने बनाया है, अच्छा लग रहा है ना ये। और अब माही अपना दिखा। ये भी मम्मी ने बनाया है, पर ये पहले बन गया था दीदी का कल, मतलब अभी अभी। देखो मैं कैसी लग रही हूँ पहन कर। ये देखिए कैसी लग रही है माही। और अब गाइस देखिए माही ने दूसरा वाला हेयर बैंड पहन लिया है। ये मेरा वाला हेयर बैंड है, देखिए इसमें एक थोड़ा सा छोटा सा हमने क्राउन टाइप का भी ऐड कर दिया। पर ये मेरा नहीं है, मेरा दूसरा वाला है, ये मेरी दीदी का है। देखिए ये वाला हेयर बैंड कैसा लग रहा है, मेरा वाला हेयर बैंड। और देखिए मेरे कपड़ों में मैच भी कर रहा है। ये देखिए ये वाला सेम टू सेम कलर मेरे कपड़ों में मैच भी कर रहा है। देखिए मैंने माही वाला हेयर बैंड पहन लिया है। अब गाइस आप बताइए कि कौन अच्छा लग रहा था, माही या मैं, जरूर बताना कमेंट लिख के जरूर बताना। आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, फिर खेलेंगे हम स्नेक एंड लैडर। गाइस अभी मैं कर रही हूँ होमवर्क। ये देखिए अभी मेरा होमवर्क चल रहा है और यहाँ पे मैं अपनी नोटबुक में होमवर्क कर रही हूँ। और ये माही, माही दिखाना जरा ड्राइंग। ये माही यहाँ ड्राइंग बना रही है। माही की आपको एक गलती दिखी होगी, ये देखिए मुझे अंदर की तरफ जाती है, जा रही है, जबकि मुझे बाहर की तरफ जाती है और ये अंदर की तरफ मुझे डाल दी है, ठीक है। और ये रही इसकी डोरेमी। और पता है गाइस कि ये पाउच हमारी मम्मी ने बनाया है, होममेड पाउच है, अच्छा लग रहा है ना पाउच। ये देखिए इसकी चेन पिंक कलर की है और इसके अंदर मैंने अपने सामान रखे हैं। ऐसे ही मम्मी ने माई का भी बनाया है और ये देखिए इसके अंदर भी है। और बस यही था, अब मैं होमवर्क कर लेती हूँ। सो गाइस आज मम्मी बना रही हैं अभी माल पोहे, क्योंकि अभी अभी हमने नाश्ता किया है, देर में आज नाश्ता किया हमने, तो फिर हमने सोचा कि आज ठंडी हो रखी है बाहर, क्योंकि मैंने आपको वेदर दिखा दिया था, अभी बारिश ही हो रही है बाहर, कि जैसे कि अभी बज चुके हैं 2:10 तब भी बारिश ही लगी हुई है बाहर पे। तो बस इसलिए हमने बोला कि ठंडी हो रखी है इसलिए हम मालपोहे बना लेते हैं। तो मम्मी अभी मालपोहे बना रही हैं और फिर हम मालपोहे खाएंगे और फिर हम खेलेंगे स्नेक्स एंड लैडर। सो गाइस ये देखिए यहाँ हमारे मालपोहे बन रहे हैं, ये देखिए। और ये है इसका आटा। थोड़ा खाना खाएंगे और फिर मिलते हैं आपको स्नेक एंड लैडर वाले गेम में। चलो अब हम खेलते हैं स्नेक्स एंड लैडर, खाते खाते हमारे मालपोहे हम खाएंगे भी और स्नेक एंड लैडर हम खेलेंगे भी। तो चलो फर्स्ट मैं करूंगी और मैं लूंगी व्हाइट और माही ले रही है ब्लैक। ओके तो चलो शुरू कर। सो गाइस देखिए आ गए हैं मेरे 6 और मेरे यहाँ पे खुल चुका है। अब 6 की मेरे को एक और बारी मिलेगी, 2, 1, 2। और मैंने देखिए मैंने लैडर चल दिया और मेरे को फिर एक और बारी मिलेगी। अभी भी वाले हैं 5, 6, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6। माइक की बारी, चलो माइक खेलो। फोन बेचारी नहीं खोल सकी। एक रूल है जब वन आएंगे तब खुल जाएंगे पर बारी नहीं मिलने वाली। 4 आए और मैंने 50 पे मैं चली गई हूँ। 6 चलो खोलो। 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 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 6
I am winner and my sister is loser. धक्का देते नहीं है लूजर को, धक्का दे दिया। ये ना लेडर ने बहुत परेशानी कर दी
वो सीधे 12 पे तो थी, 12 से लेटर गई और सीधा 96 पे। मैंने बोला 97 आगे कटेगी और देखा तो फोल्ड हो गई और विनर ही पहुंच गई। सो गाइस चलो हम खा लेते हैं, बहुत गर्म है, मुंह में जल रहा है। तो गाइस हम खा लेते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो फिर आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एक बात मैं खाना चाहती हूँ, मैंने बहुत गंदा करा कि मैं जल्दी जीत गई। अगर मैं थोड़ा लेट में जीतती तो थोड़े ठंडे भी हो जाते। चलो बाय बाय बाय।